Hello everyone, welcome back on my channel. Today's topic is intensity of electric field. तो electric field की जो intensity है वो हमें find करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक electric field बनाते हैं. तो देखिए यहाँ पे ये हमारी जो dotted line है circle में, ये हमारी electric field है. लेट अस कंसीडर दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अब हमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है. ठीक है, अब हमें जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है. तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा. ठीक है, तो जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज को हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश चार्ज. चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और हमारा जो क्यू नॉट होता है, तो ये हमारा क्या होता है, टेस्ट चार्ज. ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज जो कि बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेना पड़ेगा. ठीक है, तो जिस पे एक फोर्स वर्क करेगा, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए ये हमारा वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज है. ठीक है, ये हमारा है वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है. टेस्ट चार्ज जो है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ठीक है, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, बट जो हमारा इंटर में जो टॉपिक है तो कूलम्स से रिलेटेड, तो वहां पर ज्यादातर हमने जो टेस्ट चार्ज का यूज किया है वो वेरी स्मॉल, सॉरी वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज किया है. हमने जहां भी जितने भी टॉपिक में हमने यूज किया है, मोस्टली आप लोगों का जो टेस्ट चार्ज यूज होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा. आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही कंसीडर करोगे. ठीक है, तो देखिए इस ये सब चीजें यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, तो बस हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये आपको यहाँ पे हम रफ वर्क कर रहे हैं. तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो यहाँ पे हमने डॉटेड करके बनाया है, ये इसको हमने कंसीडर कर लिया है कि हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज को. वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट, यही पॉइंट पे हम जो है अपने टेस्ट चार्ज को, जो कि बहुत स्मॉल है, क्यू नॉट को लेंगे, जिससे एक फोर्स वर्क करेगा, है ना. तो फोर्स को हमेशा वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये बस इतना कॉन्सेप्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, यहाँ पे आपको समझाया गया. अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइंड करेंगे, किस तरीके से हम उसे डिफाइंड करेंगे, वो अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं. तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा एफ अपॉन
क्यू नॉट? तो कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है, तो वो और जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसके अपॉन में जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसके अपॉन में होता है, और ये इक्वल होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ यहाँ पर हमारा हो जाएगा वेयर एफ इज इक्वल टू फोर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज। तो आई होप आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।